हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ TFT अनलॉक टूल शेयर करने वाला हूँ। इस टूल की सहायता से आप लोग Xiaomi, ओप्पो, वीवो, रियलमी, क्वालकॉम प्लस मीडियाटेक CPU के ऑल ब्रांड्स के A to Z मोबाइल फोन का पैटर्न पिन पासवर्ड अनलॉक कर पाओगे, FRP अनलॉक कर पाओगे, MI अकाउंट अनलॉक कर पाओगे, क्वालकॉम प्लस मीडियाटेक CPU में ऑल ब्रांड्स के A to Z मोबाइल फोन को फ्लैश भी कर पाओगे। इस टूल में आपको आईफोन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। आप लोग आईफोन में iCloud अनलॉक कर पाओगे, पासकोड को भी अनलॉक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। यह टूल 100% वर्किंग है, आपके सभी विंडो में अच्छे से काम करेगा। इस टूल को आप सब लोग यूज कर सकते हो। इस टूल को यूज करने के लिए आप लोगों को यह टूल डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। आप लोगों को डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है, आप लोग इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, इस वीडियो को फुल वॉच करना। अगर आप लोग इस वीडियो को कहीं से भी स्किप करते हो तो हो सकता है ये टूल आपके PC या कंप्यूटर में एक्टिवेट ना हो या फिर आपको कोई एरर देखने को मिल जाए। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। दोस्तों, मैं इस टूल को ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं। आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लोग टूल को वन क्लिक से डाउनलोड कर पाओगे। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को इस प्रकार से एक जिप फाइल देखने को मिलेगी। इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले अगर आपके PC या कंप्यूटर में कोई भी एंटीवायरस रन कर रहा है तो एंटीवायरस को डिसेबल कर लेना। एंटीवायरस डिसेबल करने के बाद अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्ट कर लेना। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो यह टूल आपके PC या कंप्यूटर में ओपन नहीं होगा। इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद जो फाइल आप लोगों ने डाउनलोड की है उसको सिलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट टू पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना। ये TFT टूल का न्यू वर्जन रिलीज हो चुका है और अभी जल्दी में रिलीज हुआ है, इसलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इसका वर्जन है V3.1.1.2। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप लोग फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे, यहाँ पर पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड को इस प्रकार से टाइप करना है। यहाँ पर जो नीचे शो हो रहा है इसी को अच्छे से टाइप करना। टाइप करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक कर देना। फाइल एक्सट्रैक्ट होने में स्टार्ट हो जाएगी। 5 से 10 सेकंड में फाइल कंप्लीट एक्सट्रैक्ट होकर एक फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हमारी फाइल जो है कंप्लीट एक्सट्रैक्ट हो चुकी है और इस प्रकार के फोल्डर में आ चुकी है। दोस्तों, आपको डेस्कटॉप पर इस प्रकार से एक फोल्डर देखने को मिलेगा। इस फोल्डर को थोड़ा सेट करना। सेट करने के बाद डबल क्लिक करके इसको ओपन करना। ओपन करने के बाद ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे मेन सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में आपको ओपन करना है। जैसे ही आप लोग ओपन करोगे ये टूल 5 से 10 सेकंड में इंस्टॉल होने के लिए आपके सामने आ जाएगा। आप लोग 5 से 10 सेकंड तक का इंतजार करना। उसके बाद इंस्टॉल होने के लिए एक छोटा सा टूल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको यस करना है। यस करने के बाद एक छोटा सा टूल इंस्टॉल होने के लिए आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ से आपको ISCFT के ऊपर जिक लगा के इसको नेक्स्ट करना है। दोबारा से यहाँ पर आपको एक पासवर्ड एंटर करना होगा। ये पासवर्ड आपको कैपिटल में TFT एंटर करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये दिखा रहा है कि पासवर्ड, सॉरी दोस्तों, मैंने कैपिटल को प्रेस नहीं किया, तो यहां से मैंने कैपिटल में TFT इंटर करना है। उसके बाद यहां से आपको नेक्स्ट करना है। यहां पर आपको दोबारा नेक्स्ट करना है और यहां पर क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन को जिक लगा के यहां से आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करोगे टूल इस प्रकार से इंस्टॉल होने में स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये टूल इंस्टॉल होने में कम से कम 1 मिनट का टाइम लेता है। आप लोग 1 मिनट तक का इंतजार कर लेना। दोस्तों, 1 मिनट इंतजार करने के बाद टूल कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद यहां पर आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी है। यहां से आपको नीचे से नेक्स्ट करना है। उसके बाद इसको फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद दोस्तों, आपके जो डेस्कटॉप है उस पर एक शॉर्टकट आइकन क्रिएट हो जाएगा। ये आप लोग देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पर इस प्रकार से एक शॉर्टकट आइकन आ चुका है। आपके डेस्कटॉप पर भी इनिशियल जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक शॉर्टकट आइकन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इस आइकन को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में आपको ओपन करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूं। इससे पहले आपके PC या कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना जरूरी है। अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो ये टूल आपके PC या कंप्यूटर में ओपन नहीं होगा। शॉर्टकट आइकन को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में आपको ओपन करना है। जैसे ही आप लोग रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में इसको ओपन करोगे उसके बाद दोस्तों आपको यस करना है। यस करने के बाद आप लोग 5 से 10 सेकंड तक का इंतजार करना। 5 से 10 सेकंड में ये टूल लॉगिन होने के लिए आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 5 से 10 सेकंड का टाइम लगता है। अगर PC थोड़ा स्लो है तो ज्यादा टाइम भी लग सकता है, मतलब मिनिमम कम से कम 20 सेकंड का भी टाइम लग सकता है, ठीक है। वरना 5 से 10 सेकंड में टूल लॉगिन होने के लिए आपके सामने आ जाएगा। ये आप लोग देख पा रहे हैं टूल हमारा ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा। आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। कुछ भी क्लिक नहीं करना है, कहीं पर भी आपको टच नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। ऑटोमेटिक ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। चेकिंग फाइल्स आ गया। यहाँ पर आपको कुछ भी टच नहीं करना है। उसके बाद ये डन हो जाएगा। डन होने के बाद टूल ऑटोमेटिक लॉगिन होने के लिए आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोसेस चलता है। आप लोग 5 से 10 सेकंड तक का वेट कर लेना। उसके बाद जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ पर यू आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हमारा यू आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यूजर नेम पासवर्ड में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर आपको लॉगिन के ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे अगेन इसमें प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और दोस्तों आपका टूल 5 से 10 सेकंड में ऑटोमेटिक लॉगिन होकर कंप्लीट ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हमारा टूल जो है लॉगिन होने में स्टार्ट हो गया। अभी दोस्तों इसमें भी 5 से 10 सेकंड का टाइम लगता है, आप लोग 5 से 10 सेकंड तक का इंतजार कर लेना, उसके बाद ऑटोमेटिक लॉगिन होगा, ऑटोमेटिक ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा, ये न्यू वर्जन है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 3.1.1.2, ठीक है। इसमें अभी जो ओल्ड था वो 3.1.1.1 था, अभी 2 आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं लेट्स गो आ गया और टूल हमारा कंप्लीट लॉगिन हो गया। अभी ऑटोमेटिक क्लोज होगा और ऑटोमेटिक आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको ओपन होने में भी कम से कम 5 से 10 सेकंड का समय लगता है, आप लोग 5 से 10 सेकंड तक का इंतजार कर लेना। ओपन होने से पहले यहाँ पर आपको एक वेब पेज ओपन होकर सामने आएगा, आपके इस प्रकार से वेब पेज आएगा। इसको आप लोग फेसबुक पे इनको फॉलो कर सकते हो और नहीं तो दोस्तों इसको आप लोग मिनिमाइज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर वेब पेज ओपन होने के बाद कम से कम 5 से 10 सेकंड का टाइम लगेगा। अब यहाँ पर आपका जो TFT टूल है वो ऑटोमेटिक ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हमारा TFT टूल ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा हैंग होगा, लेकिन आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पर एक एक करके ऑटोमेटिक आ रहा है, ये हैंग नहीं होता है, ये इंटरनेट की स्पीड अगर स्लो है तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो हमारा TFT टूल ओपन होकर हमारे सामने आ चुका है, फर्स्ट टाइम टूल आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग Xiaomi, Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, Tecno, Universal, Android, VSmart, Lenovo, Nokia, Infinix, iPhone, MediaTek, Qualcomm, ये अपना मिलेगा आपको। यहाँ पर स्पीड्रम SPT CPU का भी सपोर्ट मिल रहा है, LG, Asus, इतने सारे ब्रांड्स का आप लोग पैटर्न, पिन, पासवर्ड, FRP, MAU, अकाउंट, Huawei ID जस्ट वन क्लिक से अनलॉक कर पाओगे। उसके साथ साथ आप लोग फ्लैश भी कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको काम कैसे करना है, यहाँ पर आपको फर्स्ट मिलेगा Xiaomi में आप लोगों को क्लिक करना है, उसके बाद Xiaomi में जितना भी मॉडल है सामने आपके आ जाएगा। यहाँ पर आपको काफी सारे मोबाइल फोन देखने मिल जाएंगे, आप लोग सबका पैटर्न, पिन, पासवर्ड, FRP जस्ट वन क्लिक से अनलॉक कर पाओगे। यहां पर आपको अनलॉकिंग कैसे करना है, मान लीजिए दोस्तों आपके पास Xiaomi में Qualcomm CPU का कोई भी फोन आ गया, सबसे पहले आपको मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपने मोबाइल फोन को ईरियल मोड में कनेक्ट करना है। डिवाइस मैनेजर में Qualcomm पोर्ट शो होने के बाद यहाँ पर आपको अगर पैटर्न, पिन, पासवर्ड है तो फैक्ट्री सेट प्लस FRP के ऊपर क्लिक कर देना। अगर MA अकाउंट लॉक लगा है तो आपको रिसेट डिसेबल MA अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे टूल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपका फोन कनेक्ट होगा तो अनलॉक होने में स्टार्ट हो जाएगा, 5 से 10 सेकंड में कंप्लीट अनलॉक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको दोस्तों और भी काफी सारे मॉडल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग साइड लोड मोड के थ्रू भी पैटर्न, पिन, पासवर्ड, FRP, MA अकाउंट अनलॉक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अपने मोबाइल फोन को रिकवरी मोड में लगाना, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट विद MA असिस्टेंट मोड, उसको सिलेक्ट करके USB केबल कनेक्ट कर देना, वही साइड लोड मोड होता है। उसके बाद आप लोग पैटर्न, पिन, पासवर्ड, FRP, MA अकाउंट अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पर आपको MediaTek CPU का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा Xiaomi में, काफी सारे मोबाइल फोन आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग इतने सारे फोन का पैटर्न, पिन, पासवर्ड, FRP जस्ट वन क्लिक से अनलॉक कर पाओगे। इसमें आपको अनलॉकिंग कैसे करना है दोस्तों, मान लीजिए MediaTek CPU का कोई भी फोन आपके पास आ गया, ठीक है, आपको सबसे पहले मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है। अगर पैटर्न, पिन, पासवर्ड है तो आपको फैक्ट्री सेट करना है, FRP अनलॉक करने के लिए इरीज FRP के ऊपर क्लिक करना। अगर MA अकाउंट है तो आपको इरीज MA अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। आप लोग बूट लोडर को भी अनलॉक कर सकते हो, इसको देख लेना। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे फुल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, 5 सेकंड में बैटिंग फॉर डिवाइस के लिए आ जाएगा। उसके बाद फोन को स्विच ऑफ करना, वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस करके USB केबल लगा देना। अगेन टूल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आपका पैटर्न, पिन, पासवर्ड, FRP, MA अकाउंट अनलॉक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको Xiaomi, Redmi, Poco के A to Z मोबाइल फोन अनलॉक करने के टाइम सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा फंक्शन, फंक्शन में दोस्तों यहां पर आप लोग जो ADB है, ADB के थ्रू आप लोग इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हो, FRP को अनलॉक कर सकते हो, आप लोग पासकोड को रिसेट कर सकते हो, डायरेक्ट पोर्ट को इनेबल कर सकते हो। यहां पर आप लोगों को MA अकाउंट अनलॉक करने के लिए मेथड मिल रहे हैं, इनको भी आप लोग देख लेना। यहां पर आप लोग MA अकाउंट जो FRP है उसको बाईपास कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। पासकोड मिलेगा, पासकोड में भी यहां पर आपको FRP अनलॉक करने को मिल रहा है, MA अकाउंट अनलॉक करने को मिल रहा है। आप लोग एडिल मोड में रिबूट हो सकते हो पासपोर्ट मोड के थ्रू, इसको भी आप लोग देख लेना। रिकवरी में दोस्तों यहां पर आपको काफी बेहतरीन फ्यूचर देखने को मिल जाएंगे। आप लोग साइड लोड मोड के थ्रू FRP अनलॉक कर सकते हो, MA अकाउंट अनलॉक कर सकते हो, MA अकाउंट को डिसेबल कर सकते हो, इसको आप लोग देख लेना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको मेटा मिलेगा, मेटा में भी आपको काफी बेहतरीन फीचर देखने को मिल जाएंगे, इनको भी आप लोग देख लेना। उसके बाद यहां मिलेगा MI फ्लैश टूल, फ्लैश टूल में यहां पर आपको दोस्तों डायरेक्ट यहां से फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करो। अपना मोबाइल फोन ईडियल मोड में कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक बार पोर्ट को चेक कर लेना, डिवाइस मैनेजर में अगर Qualcomm पोर्ट शो हो रहा है उसके बाद यहाँ पर आपको फ्लैश के ऊपर क्लिक करना है। ऑटोमेटिक फ्लैश होने में स्टार्ट हो जाएगा, 5 मिनट में फोन आपका कंप्लीट फ्लैश हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा सैमसंग, सैमसंग में आने के बाद दोस्तों ये मॉडल लोड होकर आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को सैमसंग के A to Z मोबाइल फोन देखने को मिल जाएंगे। आप लोग सबका पैटर्न, पिन, पासवर्ड, FRP जस्ट वन क्लिक से अनलॉक कर पाओगे। यहाँ पर आपको अनलॉकिंग कैसे करना है दोस्तों, मान लीजिए आपके पास सैमसंग का कोई भी फोन आ गया, अगर Qualcomm CPU में है तो ईडल पॉइंट शॉर्ट करके मोबाइल फोन को कनेक्ट करना, अगर MediaTek CPU में है तो आपको वॉल्यूम प्लस माइनस से फोन को कनेक्ट करना है, अगर आपका मोबाइल फोन टेस्ट पॉइंट के थ्रू कनेक्ट हो रहा है तो आपको टेस्ट पॉइंट के थ्रू आपको फोन कनेक्ट करना है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपको मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है, मॉडल नंबर सेलेक्ट करने के बाद अगर फोन पर FRP लॉक है तो आपको इरीज FRP के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अपने मोबाइल फोन को टेस्ट मोड के थ्रू कनेक्ट करना है, टूल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आपका मोबाइल फोन अनलॉक हो जाएगा। अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन आ चुका है तो आप लोग डाउनलोड मोड के थ्रू भी अनलॉक कर सकते हो, इमरजेंसी कॉल में *0*0 कोड डाल करके भी मोबाइल फोन को अनलॉक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। मोबाइल फोन के इमरजेंसी कॉल में *0*0 कोड डाल करना, जब टेस्ट मोड ओपन हो जाए तो यहां पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप लोग एक एक करके मेथड ट्राई कर सकते हो, इससे आपका FRP अनलॉक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
एडीपी इनेबल करने के बाद आप लोग एफआरपी अनलॉक कर पाओगे। और भी काफी बेहतरीन फ्यूचर है, इन सबको आप लोग एक एक करके देख लेना। यहाँ पर आप लोगों को सैमसंग में एडल मोड से भी अनलॉक करने को मिल जाएगा। क्वालकॉम सीपीयू के काफी सारे फोन है जिनको आप लोग वन क्लिक से अनलॉक कर पाओगे। मान लीजिए इनमें से कोई भी फोन आ गया, सबसे पहले आपको मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपने मोबाइल फोन को ईडीएल मोड में कनेक्ट करना है। अगर एफआरपी लॉक है तो आपको इरीज एफआरपी के ऊपर क्लिक करना। आप लोग केजी को भी डिसेबल कर सकते हो, इरीज केजी पे क्लिक करके आप लोग केजी लॉक को भी अनलॉक कर सकते हो। आप लोग एमडीएम को भी अनलॉक कर सकते हो, इनको आप लोग एक एक करके देख लेना दोस्तों, ठीक है। तो सैमसंग के सभी मोबाइल फोन अनलॉक करने के टाइम सेम प्रोसेस को फॉलो करना। उसके बाद यहाँ पर आपको फंक्शन में भी काफी बेहतरीन फीचर देखने को मिल रहे हैं, इन सबको आप लोग एक एक करके देख लेना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट मिलेगा हवाई वे। हवाई वे सेक्शन में आने के बाद आप लोग हवाई वे होनर के ए टू जेड मोबाइल फोन का पैटर्न पिन पासवर्ड एफआरपी हवाई वे आईडी जस्ट वन क्लिक से अनलॉक कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको हवाई वे में क्लिक करना है, मॉडल लोड होकर आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन मॉडल देखने को मिल जाएंगे। आप लोग करेंट सीपीयू के ए टू जेड मोबाइल फोन को वन क्लिक से अनलॉक कर पाओगे दोस्तों। मान लीजिए कोई भी फोन आपके पास आ गया, सबसे पहले आपको मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल फोन टेस्ट मोड के थ्रू कनेक्ट करना है डिवाइस मैनेजर में। हवाई वे पोर्ट शो होने के बाद आपको रीज एफआरपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे टूल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो हवाई वे मोबाइल फोन है उसका एफआरपी अनलॉक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको ईडीएल मोड में भी अनलॉक करने को मिल जाएंगे दोस्तों। मान लीजिए आपके पास हवाई वे का कोई भी फोन आ गया, सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को ईडीएल मोड में कनेक्ट करना। उसके बाद दोस्तों डिवाइस मैनेजर में क्वालकॉम पोर्ट शो होने के बाद इरीज एफआरपी के ऊपर क्लिक कर देना, इससे आपका एफआरपी अनलॉक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मीडियाटेक सीपीयू में भी आपको काफी सारे मोबाइल फोन देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए इनमें से कोई भी फोन आ गया, सबसे पहले अपने मॉडल नंबर सेलेक्ट करो, अगर एफआरपी है तो इरीज एफआरपी के ऊपर क्लिक करो। पैटर्न पिन पासवर्ड अनलॉक करने के लिए फैक्ट्री सेट के ऊपर क्लिक करो। बूट लोडर को भी अनलॉक कर सकते हो, रिलॉक कर सकते हो। अगर हवाई वे आईडी लगी है तो आपको इस हवाई वे आईडी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद बैटिंग फोर्ड वैसे आने के बाद अपने फोन को कनेक्ट करना है वॉल्यूम प्लस माइनस से, इससे आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा और 5 से 10 सेकंड में अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फंक्शन में भी काफी बेहतरीन फीचर देखने को मिल रहे हैं, इन सबको आप लोग एक एक करके देख लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ओप्पो। ओप्पो सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको ओप्पो रियलमी के ए टू जेड मोबाइल फोन देखने को मिल जाएंगे। आप लोग सबका पैटर्न पिन पासवर्ड एफआरपी जस्ट वन क्लिक से अनलॉक कर पाओगे दोस्तों। अभी मॉडल लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो वन क्लिक से आपके सारे मॉडल लोड होकर आपके सामने आ जाएंगे। अगर इंटरनेट दोस्तों स्लो है तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, उसके बाद मॉडल लोड होकर आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों। इसमें भी आपको पैटर्न पिन पासवर्ड एफआरपी अनलॉक करने को मिल जाएगा। ओप्पो में मानो कोई भी फोन आ गया, सबसे पहले मॉडल नंबर सेलेक्ट करो, एफआरपी अनलॉक करने के लिए इरीज एफआरपी फैक्ट्री सेट करके पैटर्न पिन पासवर्ड अनलॉक कर सकते हो। फैक्ट्री सेट प्लस एफआरपी को सिलेक्ट करके आप लोग पैटर्न पिन पासवर्ड और एफआरपी एक साथ अनलॉक कर सकते हो। आप लोग सेफ फॉर्मेट कर सकते हो और जो डेमो लॉक है उसको भी आप लोग अनलॉक कर सकते हो। सिंपल आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद बैटिंग फोर्ड डिवाइस आएगा, फोन को स्विच ऑफ करना है, यूएसबी केबल को लगा देना है दोस्तों, ठीक है। अगेन टूल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो पैटर्न पिन पासवर्ड एफआरपी डेमो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। इसमें आपको क्वालकॉम सीपीयू में भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है, वॉल्यूम प्लस माइनस से कनेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको वीवो में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वीवो में क्लिक करना है। वीवो में यहाँ पर आपको काफी सारे मॉडल देखने को मिल जाएंगे। आप लोग क्वालकॉम सीपीयू में भी वन क्लिक से अनलॉक कर पाओगे। मान लीजिए कोई भी फोन आ गया, सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को एडल मोड में कनेक्ट करो, अगर एफआरपी है तो रीज एफआरपी कर दो। पैटर्न पिन पासवर्ड अनलॉक करने के लिए फैक्ट्री सेट के ऊपर क्लिक कर दो। सेफ फॉर्मेट करके आप लोग विदाउट डेटा लॉस भी अनलॉक कर पाओगे। आपको अपने मोबाइल फोन को एडल मोड में कनेक्ट करना है, उसके बाद डिवाइस मैनेजर में क्वालकॉम पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगेन टूल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो मोबाइल फोन है वो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वीवो के मीडियाटेक सीपीयू में काफी सारे फोन देखने को मिलेंगे। आप लोग सबको वन क्लिक से अनलॉक कर पाओगे। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी फोन आ गया, मॉडल नंबर सेलेक्ट करो, फैक्ट्री सेट करके पैटर्न पिन पासवर्ड अनलॉक कर सकते हो, एफआरपी अनलॉक कर सकते हो, फैक्ट्री सेट प्लस एफआरपी करके पैटर्न पिन पासवर्ड एफआरपी एक साथ अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा टेक्नो। टेक्नो सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको टेक्नो के ए टू जेड मोबाइल फोन देखने को मिल जाएंगे। आप लोग टेक्नो के ए टू जेड मोबाइल फोन का पैटर्न पिन पासवर्ड एफआरपी जस्ट वन क्लिक से अनलॉक कर पाओगे। अनलॉक करने के लिए आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, आपके ए टू जेड मोबाइल फोन अनलॉक हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एसपीडी सीपीयू की भी काफी सारे आपको मोबाइल फोन देखने को मिल जाएंगे, इनको भी आप लोग सेम प्रोसेस फॉलो करके अनलॉक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे मोबाइल फोन जो एसपीडी सीपीयू के हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेक्शन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर यूनिवर्सल सेक्शन जो है वो लोड होकर आपके सामने आ जाएगा, इस प्रकार से लोड होने लगेगा। यहाँ पर आपको केवल एसपीडी सीपीयू का सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आईटेल और भी काफी सारे ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे जो एसपीडी सीपीयू में है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट है एसपीडी सीपीयू का, आप लोग सबको वन क्लिक से अनलॉक कर पाओगे। एसपीडी सीपीयू मीडियाटेक सीपीयू के सभी मोबाइल फोन अनलॉक करने के टाइम सेम प्रोसेस को फॉलो करना। यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, सबको अनलॉक करने के टाइम आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, इसको आप लोग देख लेना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एंड्रॉइड। एंड्रॉइड सेक्शन में भी आपको काफी बेहतरीन फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे लोड होकर आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एपीके मैनेजर में काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इनको आप लोग एक एक करके देख लेना। जर्नल में भी आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इनको भी आप लोग एक एक करके देख लेना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट मिलेगा बीस्मार्ट। बीस्मार्ट में जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे ये लोड होकर आपके सामने आ जाएगा। डिपेंड करता है आपका इंटरनेट स्पीड कितना अच्छा है, अगर अच्छा है तो 5 सेकंड में लोड होकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको 20 स्मार्ट में केवल इतने मॉडल देखने को मिलेंगे, आप लोग इनका एफआरपी पैटर्न पिन पासवर्ड अनलॉक कर सकते हो। अनलॉक करने के लिए आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मिलेगा लेनोवो। लेनोवो सेक्शन में क्लिक करने के बाद ये ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा।
इसमें भी दोस्तों आपको काफी सारे मोबाइल फोन देखने को मिल जाएंगे, आप लोग सबका पैटर्न पिन पासवर्ड एफआरपी जस्ट वन क्लिक से अनलॉक कर पाओगे। इसमें भी अनलॉक करने के टाइम आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले मॉडल नंबर सेलेक्ट करो, एफआरपी है तो इरीज एफआरपी के ऊपर क्लिक कर दो, पैटर्न पिन पासवर्ड है तो फैक्ट्री सेट के ऊपर क्लिक कर दो, बैटिंग फॉर डिवाइस आने के बाद फोन को स्विच ऑफ करो, वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस करके यूएसबी केबल लगा दो, अगेन टूल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आपका मोबाइल फोन अनलॉक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर आपको लेनोवो के सभी मोबाइल फोन अनलॉक करने के टाइम सेम प्रोसेस को फॉलो करना है दोस्तों। ठीक है, यहां पर आप लोग एडीबी के थ्रू एफआरपी अनलॉक कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हो, एमटीपी मोड से इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हो, यहां पर आप लोग एमटीपी मोड से एफआरपी को बाईपास कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, इन सबको आप लोग एक एक करके देख लेना। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा नोकिया, नोकिया सेक्शन में जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे इसके मॉडल लोड होकर आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों। यहां पर आप लोगों को क्लिक करना है, मॉडल लोड होकर आपके सामने आ जाएंगे, नोकिया के इतने सारे मोबाइल फोन आप लोग वन क्लिक से अनलॉक कर पाओगे। इनमें भी आप लोगों को अनलॉक करने के टाइम सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। इसमें भी दोस्तों आप लोगों को अनलॉक करने के टाइम सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। मान लीजिए कोई भी फोन आ गया, सबसे पहले मॉडल नंबर सेलेक्ट करो, एफआरपी अनलॉक करने के लिए रीज एफआरपी, पैटर्न पिन पासवर्ड अनलॉक करने के लिए फैक्ट्री सेट, जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे बैटिंग फॉर डिवाइस के लिए जाएगा, फोन को स्विच ऑफ करो, वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस करके यूएसबी केबल लगा दो, आपका मोबाइल फोन 5 सेकंड में अनलॉक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर आपको फंक्शन मिलेगा, इसमें भी काफी बेहतरीन ऑप्शन है, इसको भी आप लोग एक एक करके देख लेना। उसके बाद यहां पर आपको मिलेगा इन्फिनिक्स, इन्फिनिक्स सेक्शन में आने के बाद जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे इसके जितने भी मॉडल हैं लोड होकर आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैंने क्लिक कर दिया, 5 से 10 सेकंड का टाइम लगता है, इंटरनेट अगर अच्छा है तो आपका 5 सेकंड में ही आ जाता है दोस्तों। ठीक है, यहां पर आप लोगों को मीडियाटेक सीपीयू, एसपीडी सीपीयू का सपोर्ट देखने को मिलेगा, इतने सारे मोबाइल फोन का आप लोग पैटर्न पिन पासवर्ड एफआरपी जस्ट वन क्लिक से अनलॉक कर पाओगे। मान लीजिए कोई भी फोन आ गया, सबसे पहले मॉडल नंबर सेलेक्ट करो, एफआरपी है तो रीज एफआरपी, पैटर्न पिन पासवर्ड है तो फैक्ट्री सेट, एफआरपी और पैटर्न पिन पासवर्ड एक साथ अनलॉक करने के लिए फैक्ट्री सेट प्लस एफआरपी के ऊपर क्लिक कर देना, बैटिंग फॉर डिवाइस आने के बाद फोन को स्विच ऑफ करना, वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस करके यूएसबी केबल लगा देना, अगेन टूल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आपका पैटर्न पिन पासवर्ड एफआरपी अनलॉक हो जाएगा। आपको इन्फिनिक्स के सभी मोबाइल फोन अनलॉक करने के टाइम सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। फंक्शन में भी आपको काफी बेहतरीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इनको भी देख लेना, फास्टफूड में भी आप लोग देख लेना। उसके बाद यहां पर आपको मिलेगा आईफोन, यहां पर एप्पल मिलेगा, एप्पल में जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे 5 से 10 सेकंड में इसमें जो भी फीचर है लोड होकर आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों। डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कितना अच्छा है, अगर इंटरनेट फास्ट है तो 5 सेकंड का ही टाइम लगता है, सारे ओपन होकर आपके सामने आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैंने अभी क्लिक कर दिया, तो ये एप्पल वाला जो टैब है वो ओपन करने के टाइम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, आप लोग चिंता ना करें। इसमें आप लोग पासवर्ड अनलॉक कर सकते हो, आईक्लाउड अनलॉक कर सकते हो, इनको आप लोग एक एक करके देख लेना दोस्तों। ठीक है, काफी बेहतरीन फीचर है, इन सबको आप लोग देख लेना। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको नेक्स्ट मिलेगा मीडियाटेक, यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं मीडियाटेक सेक्शन हमारा ओपन होकर आ चुका है। यहां पर आप लोग सिक्योरिटी में, यहां पर आप लोगों को सिक्योरिटी मिलेगा, सिक्योरिटी में यहां पर आप लोग दोस्तों यहां पर आप लोगों को फर्स्ट मिलेगा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में आप लोग किसी भी मोबाइल फोन का पैटर्न पिन पासवर्ड अनलॉक कर सकते हो, एमआई अकाउंट को डिसेबल कर सकते हो, एफआरपी को इरीज कर सकते हो, यहां पर आप लोग सैमसंग का एफआरपी अनलॉक कर सकते हो, यहां पर आप लोग इरीज एफआरपी यूनिवर्सल, यहां पर आप लोग ऑल ब्रांड्स के ए टू जेड मोबाइल फोन का एफआरपी अनलॉक कर सकते हो। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे टूल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बैटिंग फॉर डिवाइस के लिए आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे टूल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बैटिंग फॉर डिवाइस के लिए आ जाएगा, फोन को स्विच ऑफ करना, वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस करके यूएसबी केबल लगा देना, आपका जो एफआरपी पैटर्न पिन पासवर्ड है वो अनलॉक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर आप लोग ईएमआई प्रीलोडर के थ्रू अनलॉकिंग कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक्स्ट्रा में आना है, एक्स्ट्रा में यहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन फीचर देखने को मिल जाएंगे, इन सबको आप लोग एक एक करके देख लेना। मीडियाटेक सीपीयू के ए टू जेड मोबाइल फोन को फ्लैश भी कर पाओगे, यहां से अपनी फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करना, यहां पर आप लोगों को डीए फाइल सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपनी स्कैटर फाइल को सिलेक्ट करना, उसके बाद जैसी फाइल यहां पर शो हो जाए फ्लैश के ऊपर क्लिक कर देना, बैटिंग फॉर डिवाइस आने के बाद फोन को कनेक्ट कर देना, वॉल्यूम प्लस माइनस से कनेक्ट हो जाता है, 5 मिनट में आपका मोबाइल फोन कंप्लीट फ्लैश हो जाएगा, हैंग एंड लोगो रीस्टार्ट प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको मिलेगा क्वालकॉम, क्वालकॉम सीपीयू में जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे ये लोड होकर आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। यहां पर भी आप लोग ए टू जेड मोबाइल फोन को फ्लैश भी कर सकते हो, एफआरपी अनलॉक कर सकते हो दोस्तों, आप लोग पैटर्न पिन पासवर्ड अनलॉक कर सकते हो, सैमसंग का एफआरपी अनलॉक कर सकते हो, एमआई अकाउंट को अनलॉक कर सकते हो, ए टू जेड मोबाइल फोन को फ्लैश कर सकते हो। फ्लैश करने के लिए यहां पर आपको क्लिक करना है, अपनी फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद दोस्तों अपना मोबाइल फोन एरियल मोड में कनेक्ट करने के बाद फ्लैश के ऊपर क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक टूल में फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपका मोबाइल फोन 5 मिनट में कंप्लीट फ्लैश हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको मिलेगा एसपीडी, स्पीड ड्रम में आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे ये भी आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। एसपीडी सीपीयू के ए टू जेड मोबाइल फोन को आप लोग वन क्लिक से अनलॉक कर पाओगे, यहां पर आपको सर्वर में क्लिक करना है, उसके बाद इतने सारे ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए इनमें से कोई भी मोबाइल फोन आपके पास आ गया, कोई भी ब्रांड्स आ गया, आपको सबसे पहले ब्रांड सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहां पर आपको मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, मॉडल नंबर सेलेक्ट करने के बाद अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करना है, अगर पैटर्न पिन पासवर्ड अनलॉक करना है तो आपको इरीज एफआरपी एसपीडी इसके ऊपर क्लिक करना है, बैटिंग फॉर डिवाइस आने के बाद अपने फोन को सिलेक्ट करना, वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस करके यूएसबी केबल लगा देना, अगेन टूल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आपके मोबाइल फोन का एफआरपी अनलॉक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग फॉर्मेट डाटा करके पैटर्न पिन पासवर्ड को भी अनलॉक कर सकते हो दोस्तों, आप लोग फ्लैश भी कर सकते हो एसपीडी सीपीयू के ए टू जेड मोबाइल फोन को। यहां पर आपको क्लिक करना है, अपनी फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहां पर आपको फ्लैश फ्रेमवर्क के ऊपर क्लिक करना है, बैटिंग फॉर डिवाइस आने के बाद फोन को स्विच ऑफ करना, वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस करके यूएसबी केबल लगा देना, अगेन टूल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आपका मोबाइल फोन फ्लैश हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एलजी। एलजी सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको एलजी के भी ए टू जेड मोबाइल फोन देखने को मिल जाएंगे। आप लोग सबका पैटर्न पिन पासवर्ड एफआरपी जस्ट वन क्लिक से अनलॉक कर पाओगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कितने सारे मोबाइल फोन का सपोर्ट है। इसमें भी आपको अनलॉक करने के टाइम सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। एलजी के सभी मोबाइल फोन यहाँ पर आपके वॉल्यूम प्लस माइनस से कनेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट मिलेगा एसुस। एसुस सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको एसुस के भी ए टू जेड मोबाइल फोन देखने को मिल जाएंगे। आप लोग सबका पैटर्न पिन पासवर्ड सेम प्रोसेस फॉलो करके अनलॉक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। फैक्ट्री सेट कर देना, एफआरपी कर देना, यहाँ पर आप लोग मोबाइल फोन को कनेक्ट कर देना। 5 सेकंड में आपका मोबाइल फोन कंप्लीट अनलॉक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए सेम प्रोसेस है, स्विच ऑफ करो, वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस करके यूएसबी केबल लगा दो दोस्तों, ठीक है। फंक्शन में भी काफी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, इनको भी आप लोग देख लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा फास्टफूड। फास्टफूड में आपको एफआरपी अनलॉक करने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर और भी काफी बेहतरीन फीचर है, इन सबको आप लोग देख लेना दोस्तों। यहाँ पर आप लोग फास्टफूड मोड के थ्रू ईडल मोड में रिबूट हो सकते हो, रिकवरी में रिबूट हो सकते हो, नॉर्मल रिबूट हो सकते हो। उसके बाद और भी काफी बेहतरीन फीचर है, इन सबको आप लोग देख लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा एडीबी। एडीबी में आप लोग एफआरपी अनलॉक कर सकते हो और दोस्तों रिबूट भी हो सकते हो। एडीबी से ईडल में रिबूट हो सकते हो, डाउनलोड मोड में रिबूट हो सकते हो, नॉर्मल मोड में रिबूट हो सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डिवाइस मैनेजर मिलेगा, इसको भी देख लेना। कंफर्म में आपको ड्राइवर की डिटेल देखने को मिल जाएगी। इस टूल को यूज करने से पहले आप लोगों को ये ड्राइवर इंस्टॉल करना जरूरी है। अगर ये ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो कोई भी मोबाइल फोन आपका कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं होगा। इनको इंस्टॉल करने के बाद अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। यहाँ पर आपको टेस्ट पॉइंट देखने को मिल रहा है, इसमें आपको ईडीएल पॉइंट, टेस्ट पॉइंट, ए टू जेड मोबाइल फोन के देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। मान लीजिए Xiaomi में आपको MI 8 का या Xiaomi 8 का टेस्ट पॉइंट देखना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। प्लीज वेट के लिए आ रहा है। अगर इंटरनेट फास्ट है तो 5 सेकंड में इसमें टेस्ट पॉइंट शो हो जाता है। अगर इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। इसमें आप लोग ईडल पॉइंट को भी देख पाओगे, कैसे करके कनेक्ट करना है, टेस्ट पॉइंट को भी देख पाओगे। यहाँ पर आपको ऑल ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इन सबका टेस्ट पॉइंट, ईडल पॉइंट आप लोग वन क्लिक से देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों अपने मोबाइल को कनेक्ट करो, अनलॉक करो, फ्लैश करो। मेरा इंटरनेट स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है, आपके कंप्यूटर में 5 सेकंड में ओपन होकर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इन सबको आप लोग एक करके देख लेना दोस्तों। इस टूल में बस इतना ही है, ये टूल 100% वर्किंग है। आपके ए टू जेड मोबाइल फोन अनलॉक भी हो जाएंगे, फ्लैश भी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप सब लोग इस टूल को यूज कर सकते हो दोस्तों। इस टूल का जो ओल्ड वर्जन था उसने भी बहुत ही अच्छा काम किया था, मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा चला भी था और बहुत ही अच्छा काम भी किया था। 100% वर्किंग रहते हैं ये TFT टूल, ठीक है। आप लोग भी इनको यूज कर सकते हो। मैंने आपको ए टू जेड जानकारी शेयर कर दी। आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर लिंक मिल जाएगा। क्लिक करो, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, एंजॉय करो। अगर दोस्तों आपको डाउनलोड करने में, इंस्टॉल करने में, यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, ग्रुप में मैसेज करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन ये सही है, क्योंकि जो नए लड़के ज्वाइन होते हैं ना उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे दोस्तों आप तो पुराने हो चुके हो, काफी टाइम से काम कर रहे हो, तो आप लोगों को तो बस लॉगिन करना बता दो, फिर उसके बाद आप लोग यूज कर लेते हो। लेकिन जो नए यूजर, नए लड़के जो ज्वाइन होते हैं ना, उन बेचारों को तो पता ही नहीं होता है कैसे करके फोन कनेक्ट करें। इसलिए मैं अपनी वीडियो में ए टू जेड जानकारी शेयर करता हूं ताकि सबका भला हो जाए, ठीक है दोस्तों। टूल को डाउनलोड करके इंस्टॉल करो, एंजॉय करो। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।